ज्यादा दिक्कत आती है, तो उनको कैसे याद रहे। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम लेते हैं, जैसे हम बच्चों को जोड़ेंगे कि हम कोटा जा रहे हैं, बस स्टैंड पे खड़े हैं हम बस स्टैंड पे आए और बस लगभग पूरी भरी हुई है, कंडक्टर आवाज लगा रहा है कोटा 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 कोटा। अब हम बस में एंटर होते हैं और देखते हैं बस तो पूरी भरी हुई है, हम वापस नीचे उतर जाते हैं। कंडक्टर पूछता है क्या हुआ, बस तो पूरी भरी हुई है, हमें सीटें नहीं मिलेगी तो क्या मतलब है। तो वापस कंडक्टर ऊपर चढ़ता है बस में और सवारी उसे कहता है बच्चों को गोदी में ले लो, बच्चों को गोदी में ले लो, बच्चों को गोदी में ले लो। तो सारी सवारियां जो छोटे बच्चे सीट पे बैठे हुए होते हैं उनको गोदी में ले लेती है। तो इससे बच्चों को गोदी में किसने लिया, पेरेंट्स ने, क्योंकि बच्चे छोटे थे तो वो गोदी में ही बैठेगी। तो यहाँ से हम बच्चों को जोड़ते हैं कि जब हम रह के रूप लिखते हैं तो जैसे ये वाला रह हम लेते हैं सबसे पहले, तो इसमें रह छोटा आता है। छोटे को हमने उदाहरण से देखा कि बच्चे को ही पेरेंट्स गोदी में लेंगे, पेरेंट्स को तो बच्चा गोदी में लेगा नहीं। तो ये रह जब छोटा होता है तो जब हम इसको लिखते हैं तो इसके नीचे हलंत लगता है, जब हम खोल के लिखते हैं सूर्य, ये पे लास्ट को आ रहा है हमारा वजन, किस पे आ रहा है ये सूर्य। राम जल्दी से बोल के निकल गए, इसका मतलब र छोटा है। तो छोटा गोदी में आएगा कि बड़ा गोदी में आएगा, छोटा गोदी में आएगा, बच्चे को गोदी में लेंगे तो र ऊपर चला जाएगा, ऊपर से मतलब गोदी में। तो यहाँ पे ये र हर वर्ण में गोदी में है, यानी कि ये छोटा है। सूर्य, वर्ण, स्वर्ण, वर्ण, वर्ष, कर्क, पूजा, आर्य, विद्यार्थी, सब में हमने देखा सब में कि र पे हमने जोर नहीं दिया है क्योंकि उसके नीचे हलंत है, वो आधा वर्ण। इसी तरह हम इसमें देखते हैं ये र का रूप है, ये र पूरा है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब ये र पूरा है तो इसको जब हम खड़ी पाइप के नीचे हमें दर्शाना होता है तो इस तरह से तिरछा करके हम इस र को दिखाते हैं। चक्र र लास्ट में पूरा आ रहा है, तो इसमें का गोदी में है या रा गोदी में है, हम बच्चों से पूछेंगे। आप बोल के एक बार देखें गोदी में कौन है, क है कि र है। चक्र र पूरा है यानी कि क गोदी में आधा है। तो ये खड़ी पाई में र का जो पूरा रूप होता है तो इस तरह से हम लिखते हैं, चक्र, वक्र, रकट, प्रोटीन, र, प्रजा, ब्रेक, प्रवेश, प्रसारी। इसी तरह र का ये जो रूप है ट्रक, ये र का जो रूप है वो भी पूरा है। यहाँ अंतर ये है इस र में और इस र में कि यहाँ खड़ी पाई है और यहाँ जो वर्ण ये ट ड वाले जो गोल वर्ण आ जाते हैं नीचे से, उसमें पूरे र को इस तरह से उल्टे वी की शेप में हम दिखाते हैं, जैसे कि ये ट्रक, मेट्रो, ड्रम, पेट्रोल, कार, ट्रेन, इलेक्ट्रॉन। इसके माध्यम से हम बच्चों को क्लास में खेल खेल में ये सिखा सकते हैं और उसकी समझ बना सकते हैं कि कौन सा वर्ण छोटा है और कौन सा बड़ा है, तो गोद में कौन सा आएगा और नीचे कौन सा रहेगा।